तो राज भर समाज का अगर आप काम कर दिए होते। हाँ, बहुत हमको लाभ मिला है। पैरोकार रहे हैं, उन्हीं का काम किए हैं, तो मुझे दिल्ली से भगा देना। इस आरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट तो दो चार फैक्ट्रिया लगा दिए होते तो 10-20 हजार राजभर। वाराणसी में इन दिनों सियासी जमघट लगा हुआ है, वही वाराणसी से ही सटे चंदौली जनपद पर भी देश की नजर बनी हुई है। ये देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ की जनता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को तीसरी बार मौका देती है कि नहीं। हालांकि इस समय हम वाराणसी और चंदौली की सीमा पर मौजूद हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुटे हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में जो नेता हैं, चाहे इंडिया गठबंधन के हों या फिर एनडीए गठबंधन के हों, वो वाराणसी के साथ साथ चंदौली की लोकसभा सीट पर भी चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। 1 जून को वोटिंग है, चलिए हम जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र राजभर है, मैं एक संगठन से हूँ। अच्छा, महेंद्र जी ये बताइए कि चंदौली की जनता का क्या मिजाज है? आप लोग चंदौली की भी सियासी स्थितियों को देख रहे हैं, वहाँ की जनता का क्या? देखिए, हम चंदौली के रहने वाले हैं तो देखते नहीं हैं चंदौली क्या, हम तो पूरे प्रदेश देख रहे हैं। चंदौली की जो प्रक्रिया है, देखिए, ये भारी उद्योग मंत्री रहे और भारी उद्योग मंत्री का अगर चाहे होते तो 2-4 फैक्ट्रियाँ लगा दिए होते तो 10-20 हजार राजभर, 10-20 हजार यहाँ के जो शोषित वंचित गरीब समाज है इनको रोजगार मिल जाता। अगर रोजगार मिला होता तो विकास लगता, विकास लगता तो महेंद्र नाथ पांडे को न मोदी जी को बुलाना पड़ता, न योगी जी को बुलाना पड़ता, न केशव मौर्य को, न ब्रजेश सिंह को, न सुशील जी को बुलाना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक विशेष जाति के पैरोकार रहे हैं, उन्हीं का काम किए हैं और राजभर समाज, जबकि सबसे ज़्यादा आपका अजगरा शिवपुर और सकलडीहा में बिलोंग करता है और इस राजभर समाज के, चाहे वो छूत माने हो, चाहे इनसे इनका मतलब ना रहा हो, चाहे इसके बारे में सोचे कि इनका वोट तो हम 5 किलो राशन पे ले लेंगे, जो भी सोचे होंगे, इस हिसाब से राजभर समाज के दरवाजे पर आज 10 साल का दिन हो गया, एक भी राजभर समाज के दरवाजे पर नहीं गए हैं। तो राजभर समाज किसी के बहकावे में, किसी के जुलूस निकालने में, किसी के मंच साझा करने में, किसी के धरना प्रदर्शन देने पे या किसी का बहुत बड़ा सभा करने से राजभर समाज वोट नहीं देगा। इस बार राजभर समाज मुद्दे पर वोट देगा। राजभर समाज एक जटिल मुद्दा लेकर चल रहा है जो 4 साल से आज दर की हर नेताओं का, हर मंत्री का दरवाजा खटखटाने के बाद, जो आपने देखा होगा कि कभी मोदी जी ने कहा कि ये ममता जी हाईकोर्ट के आदेश पे मुसलमानों को आरक्षण देने जा रही हैं ओबीसी दलित में से, आप तो उसके पहले गुजरात में दे दिए उसी मुसलमानों को, आपको मुसलमान का डायरेक्शन दिख गया। राजभर समाज का 4 साल से डायरेक्शन 2 साल से चल रहा है, उसमें तारीख पे तारीख, आर्डर पे आर्डर होता रहा, वो नहीं दिखा मोदी जी। आप यहाँ के, ये राजभर समाज आपके साथ 2014 में लगा, 2017 में, 2019 में, 2022 में राजभर समाज ने साथ दिया है, तो राजभर समाज का अगर आप काम कर दिए होते तो राजभर समाज में प्रचार करने की जरूरत नहीं थी। राजभर समाज आपका पूरा, चंदौली के बाद की भी सीटों पर हम कुछ समय बाद चर्चा करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम परमेश्वर राजभर है। परमेश्वर जी, चंदौली में तीसरी बार डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है हैट्रिक लगा पाएंगे? ये कभी संभव नहीं है। ये अब चंदौली में तो महेंद्र नाथ पांडे जी को कोई पहचानता तक भी नहीं है, बस केवल नाम से जानते हैं। मेरा खुद गांव खालिसपुर में है, खालिसपुर में कभी उनको कोई देखा ही नहीं। अगर महेंद्र नाथ पांडे को लोग कहते हैं विकास पुरुष है, विकास पुरुष नहीं, वो सत्यानाश पुरुष हैं और ये सत्यानाश पूरे राजभर समाज को बर्बाद करने का एक अकेला ठेका लेने वाले व्यक्ति अगर हैं महेंद्र नाथ पांडे। अपने आरक्षण से संबंधित हमको उनके यहाँ 7-7 बार गए, लेकिन कभी महेंद्र नाथ पांडे जी ने कभी इस राजभर समाज का कभी दर्द नहीं समझा। इस आरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट के लगातार डायरेक्शन होने के बावजूद भी इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। इनको मैंने अल्पसंख्यकों का आरक्षण दिखाई दे दिया गया, लेकिन राजभर समाज का हाईकोर्ट का डायरेक्शन के बावजूद भी ये उत्तर प्रदेश सरकार न जागी, न महेंद्र नाथ पांडे समझे, तो इस एवज में इस चंदौली विधानसभा से पूरे राजभर समाज के साथ, चंदौली लोकसभा से पूरे राजभर समाज का अन्य समाज के लोग मिलकर इसको, ये महेंद्र नाथ पांडे जी को बुरी तरीके से हरा कर यहाँ से भेजेंगे। बड़े मंत्री, बड़े नेता जो हैं वो इस समय वाराणसी के साथ साथ चंदौली में भी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको लगता है कि उसका प्रभाव होगा? और एक सवाल ये भी है कि क्या लगता है अगर केंद्रीय मंत्री ने काम किया है तो क्या पूरे नेताओं को वहाँ पर पहुँचने की आवश्यकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर देखिए, अगर मुख्यमंत्री होकर, प्रधानमंत्री होकर 10 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर जनता के पास दर दर जाकर प्रचार करना पड़े तो यह काम नहीं है, उनके नाकामियों का यह पहचान है, यह परिचय है। अगर काम किए होते तो जनता उनको हाथों पर उठाकर उनको जिताने का काम करता, जिस तरीके से हमें
अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट सुनने का आया, जब उन्होंने 5 वर्ष कार्यकाल बिताने के बाद उन्होंने जनता से कही बात कहा, अगर मैं काम किया होगा तो मुझे वोट देना, अगर नहीं किया होगा तो मुझे दिल्ली से भगा देना। तो जनता जनार्दन सब कुछ तय करेगी कि आखिर में जनादेश किसको मिलेगा। ये बताइए, आप किसके कार्य से संतुष्ट हैं, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम सभा कोटवा के रहने वाले हैं। अच्छा, लोकसभा चंदौली? हाँ, लोकसभा चंदौली। तो चंदौली में सबसे बड़ी बात रहती है, हमने बहुत लोगों से बातचीत किया कि मंत्री जी से किसी की मुलाकात नहीं, ये हकीकत है? हाँ, ये तो हकीकत है, किसी से मुलाकात नहीं है। वहाँ विकास हुआ है? उन्होंने तो कहा है कि सड़कें बनी हैं। विकास में विकास कुछ नहीं हुआ, विकास में विकास उनके माध्यम से खाली लाइट लगा है, और वो पता नहीं कौन कौन सिस्टम से लगा है कि इतना ज़्यादा ज़्यादा पैसा लिखा है कि सब लोग पढ़ के खाली घबरा जाते हैं। अच्छा, आइए आप लोगों से भी बात कर ले, सब लोग अपनी बात रखिए। कहाँ के रहने वाले हैं? आप वाराणसी जनपद? कैसे देख रहे हैं केंद्र सरकार के कामकाज को? ठीक ठाक? सही है। आपका समर्थन किसको? मोदी को। मोदी जी को? अच्छा, ये बताइए, ठीक है, कामकाज उनका कुछ योजनाओं का लाभ मिला है कोई भी? हाँ, बहुत हमको लाभ मिला है। अच्छा, मिला है। इसके अलावा चलिए, और भी जो लोग हैं अपनी बात को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। काका, आप भी आइए आराम से। कहाँ के? वाराणसी के? जगतपुर इंटर कॉलेज के रहने वाले हैं। अच्छा, जगतपुर के। ये बताइए, कैसे देख रहे हैं पीएम साहब के जो 10 साल के कार्यकाल रहे, उनको कैसे देख रहे हैं? बढ़िया देख रहे हैं, काम काम हुआ है, बढ़िया काम हुआ। आपका समर्थन इंडिया या एनडीए गठबंधन? इंडिया। इंडिया, इंडिया गठबंधन में आप जान रहे हैं कौन है एनडीए गठबंधन में? एनडीए का नेतृत्व तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मोदी जी। मोदी जी, तो आपका समर्थन किसको? जी, मोदी जी को। मोदी जी को। तो ऐसे में लोगों की जो संवाद है हमारी उनसे लगातार जारी है, और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि चंदौली की जनता हो या वाराणसी की जनता हो, वो क्या सोच रही है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।